फ्रेंड, मैं सुरेंद्र ओझा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। आज मैं आपको अंबिकापुर के संजय नगर में जो गेंदे की खेती हो रही है, गेंदे की खेती की जानकारी हमारे भाई के द्वारा देंगे। एक बहुत ही अच्छे किसान हैं जो यहाँ 4-5 एकड़ में गेंदे की खेती करते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा कि किस तरह से गेंदे की खेती कर रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और गेंदे से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो गेंदे का खेती आप लोग कर रहे हैं, ये कब से आप लोग कर रहे हैं? ये तो अपना देखिए 2017 से स्टार्टिंग किए हैं, है ना। सीजनली खेती है, सीजनली ये 12 महीने लगते हैं। आप लोग गेंदा 12 महीने लगाते हैं? देखिए उधर भी लग रहा है, उस खेत में भी पूरा गेंदा ही लगेगा। उसमें लगा हुआ था, उसी से लगेगा। और इसके जब लोग सोइंग कब करते हैं, लगाने का समय? इसका लगाने का एक्चुअली समय देखिए 12 महीना, मतलब कोई भी समय आप लगा सकते हैं। लेकिन अपन जो दीपावली के लिए जो लगता है खास, वो लगता है जून जुलाई के बीच में। जून जुलाई के बीच 15-20 तारीख। और वैरायटी कौन सा रहता है? वैरायटी देखिए इसमें कई, इसका देखिए वैरायटी का तो नाम अपने को पता है नहीं वैसे। ये पुष्पगंधा। अच्छा, क्या चीज़ से बीजा मंगवाते हैं? ये आपका कलकत्ता से आता है, है ना। कलकत्ता से बीजा नहीं आता इसका, इसका कटिंग आता है। कटिंग, है ना। इसका जो ये वाला कटिंग आता है आपका, ये कटिंग आता है, मतलब कलम ही आता है। हाँ, कलम आता है, उस समय कली नहीं रहता है, है ना। और अभी आप लोग लगाएंगे भी तो इसी को लगाएंगे? नहीं नहीं, इसको नहीं, ये फिर से कलकत्ता से ही आया है जो लग रहा है। तो आने में खराब नहीं होता है? खराब होता है कुछ खास, मान लीजिए 20%। अच्छा, 100 में 20 कली इतनी बराबर आता होगा? हाँ। अच्छा, इससे कली निकाल के लगा सकते हैं क्या? इससे लगा सकते हैं, लेकिन इसका अभी समय खत्म है। जैसे जून जुलाई के बीच वाला था, अभी जो लग रहा है नवंबर जो चल रहा है अपना, नवंबर का लग रहता है। एक एकड़ में कितना खाद डाल देते होंगे? एकड़ में तो इसमें लग जाता है तकरीबन, जैसे यूरिया गोबर अपन डालते हैं, मान लीजिए लमसम 1 ट्रैक्टर, है ना। और यूरिया DAP वगैरह मिला के करीबन 150-200 किलो, 150-200 किलो यूरिया और DAP, तीन आइटम मिला के डालते हैं। फायदा कितना हो जाता होगा? एकड़ में देखिए फायदा होने के लिए अगर रेट बढ़िया मिल जाए तो फिर 4-5 लाख रुपए एकड़ आप लोग निकाल लेते हैं। और कितने कितने दिन में तोड़ाई हो जाता होगा? ये हर तीसरा दिन में, चौथा दिन में तोड़ाई होता है, 3-4 दिन में ना। और मार्केटिंग तो अंबिकापुर में ही बेच देते होंगे? अंबिकापुर में, और मेन बात सबसे ज्यादा बाहर सप्लाई। बाहर में कहाँ जाते हैं फिर? बाहर जाता है गढ़वा, जाता है बिलासपुर, रायपुर, आपका कोरबा, डाल्टनगंज, अधिकतर अपना यहाँ रायगढ़ में जाता है और रायपुर में जाता है। तो यहाँ से लेने आपके यहाँ आ जाते होंगे कि आप लोग यहाँ से बेचने ही जाते? और वो मशीन क्या चीज़ की है? वो मशीन बीच में जैसे मांदा होता है कि बीच में जो वो कर रही है, जुताई कर रही है। अच्छा, जुताई करने के। अच्छा, मशीन के द्वारा खरपतवार नियंत्रण हो जाता है और लेबर से ही तोड़ाई होता है पूरा? सब तो लेबर से, लेबर बिना कहाँ होगी। इतना लगा है, 3 एकड़ में लगा था। 3 एकड़ में? 3 एकड़ में लगा था, अभी 1.5 एकड़ लमसम 70-75 डिसमिल में अभी जुताई करके फिर से। खर्चा कितना पड़ जाता होगा पूरा? खर्चा में देखिए अपना इसमें करीबन 3,40,000 खर्चा है। 3,40,000 रुपये 3 एकड़ का, और पर एकड़ 3-4 लाख रुपए का फायदा, मतलब 25% लगभग। हाँ, 25% खर्चा है। मोस्टली बीमारी क्या क्या लग जाती है? बीमारी इसमें देखिए तो बीमारी तो सभी लगता है, थ्रिप्स, डाउनी पाउडरी, और उसके बाद एक वायरस, देखिए ये देखिए वायरस, ये है वायरस लीफ कर्ल, ये सबसे खतरनाक बीमारी है लीफ कर्ल वायरस। पूरा फूल को देखिए, पूरा पेड़ को देखिए, पूरा पेड़ को किस टाइप से कर दिया है ना। और ये तो फैलता होगा एक से दूसरे, फैलता है वायरस है तो लीफ कर्ल का तो। और इसके लिए दवा भी चलाते होंगे तो? ज्यादा वायरस के लिए तो दवा फायदा नहीं करता है? नहीं करता है, वो बस रुक जाएगा, फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद फिर अपना अटैक शुरू कर देता है। और कुछ गेंदा के बारे में बताएंगे भैया कि इसके यहाँ लोग, जैसे कलर तो आप लोग यहाँ 2 ही कलर का आ रहा है? हाँ, 2 ही कलर आता है, और तीसरा कलर तो अभी तक यहाँ पे स्टार्ट हुआ भी नहीं है, और तीसरा कलर है भी नहीं। नहीं, एक लाल लाल वाला आता है छोटा। हाँ, एक आता है गेंदा, वो उसको बोलते हैं अपन चीना बोलते हैं, वो अभी लगेगा, है ना। अब लगेगा, अभी लगेगा चीना और चेरी, एक तो सफ़ेद कलर का आता है फूल, वो अभी लगेगा। इसका आप लोग स्टेम से ही वो करते हैं लगाना ना? अच्छा भैया, धन्यवाद भैया जानकारी देने के लिए। ये जो पौधे हैं, बीजों से पौधे तैयार नहीं किए जाते हैं, पौधों के छोटे छोटे जो नर्सरी पौधे हैं उसे यहाँ कलकत्ता से मंगवा के इस तरह आप देख रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग किया जा रहा है।
देख सकते हैं अभी नए पौधे भी इन लोग लगा रहे हैं, उसको भी दिखाता हूँ किस तरह का कलम होता है नए पौधों का। कौन सा किस टाइप का पौधा लगाते हैं दिखाइएगा, एक इसी पौधे को लगाते हैं ना, इस तरह के साइज का पौधा आता है। कहाँ से है? कलकत्ता वाला पौधा है। अब देख रहे हैं कि इसको भाई लगा रहे हैं दीदी लोग आराम से, गेंदे का ही छोटे छोटे पौधे आते हैं। दोस्तों अब अंबिकापुर के पास भी 12 महीना फ्लोरिकल्चर गेंदे की खेती अब 12 महीने हो रही हैं। देख सकते हैं जैसे अभी ये प्लांट अब रेडी है, फुल फ्लावरिंग हो रहा है। इसके ख़त्म फ्लावरिंग के ख़त्म होते होते ये नए प्लांट जो तैयार हो चुके हैं इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू यहाँ अंबिकापुर में एरिया में अब अजब नगर, सिलफिली, संजय नगर जितने भी क्षेत्र हैं उस एरिया में अब 12 महीना गेंदे की खेती हो रही है। अब गेंदे जो हमारे यहाँ पहले बाहर से मंगवाए जाते थे फूल को, अब सरगुजा से ही फूल बाहर जा रहे हैं।